देखिए, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि सबसे बड़ा डिजिट जो है उसको एक मानते हैं, उससे छोटा डिजिट को दो मानते हैं, एवं प्रकार से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, लास्ट में जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, जितना सीरियल नंबर है अपोजिट वे में हम लोग चलते थे। लेकिन ये तब तक था, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या जैसे दस है, मान लीजिए कि दस है, आठ है, और दोबारा फिर आठ आ जाए उसमें, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, तो काउंटिंग तो सीरियली हो नहीं पाएगा। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर एक से दस दिया हुआ है आपको, ठीक, और एक्स में 48 है, 33 है, 40 है, 9 है, 16 है, 16 है। यहाँ देखिए, इस जगह देखिए संख्या रिपीट हो गया, 16 16 दो दो बार आ गया, फिर 65 है, फिर 26 है, फिर 15 है, फिर 57 है। अब देखिए वाई में 13 है, 13 है, यहाँ भी दो बार वाई रिपीट हो गया, 13 13 रिपीट हो गया, फिर 22 है, फिर 6 है, फिर 14 है, फिर 4 है, फिर 20 है, 9 है, 6 है, 15 है, ठीक। अब देखिए 48 इस समय सबसे बड़ा देखिए कौन है, तो 65 है, 65 को एक मान लिए, ठीक, 65 से छोटा कौन है, 57 है, 57 को क्या मान लिए, दो मान लिए, 57 से छोटा कौन है, 48 है, 48 को कितना माने, तीन, ठीक, 48 से छोटा कौन है, 40, जिसको चार माने, फिर उसके बाद 33 है, जिसको पाँच माने, ठीक। अब देखिए 33 से छोटा देखना है, 33 से छोटा कौन है, 26, जिसको छ माने, ठीक, उसके बाद 26 से छोटा कौन है, तो 26 से छोटा 16 है यहाँ पर, लेकिन 16 दो दो बार आया, तो हमारा काउंटिंग कहाँ तक था, 6 तक था। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 7 प्लस 8 इज बाय 2, 7 प्लस 8 बाय 2, 15 बटे 2 इज इक्वल टू 7.5। अगर मान लीजिए तीन बार रिपीट होता तो यहाँ क्या करते हम लोग, 7 प्लस 8 प्लस 9 तब बटे 3 करते, अगर तीन बार रिपीट होता तो, ठीक, लेकिन यहाँ दो ही बार रिपीट है इसलिए हम लोग 7 प्लस 8 बाय 2 किए, 15 बटे 2 यानी 7.5 निकला। अब देखिए 16 जहाँ जहाँ है वहाँ 7.5 लिख देंगे, 7.5 7.5। अब 16 से छोटा कौन है, 15। अब यहाँ काउंटिंग कहाँ तक समाप्त हुआ था, 8 तक, 8 के बाद कौन आएगा, 15, तो 9, ठीक। अब 15 से छोटा कौन है, 15 से छोटा 9 है, तो जिसको कितना मान लेंगे, 10, ठीक। उसी तरह वाई आर में देखिए, देखिए अगर संख्या रिपीट होगा, अगर संख्या रिपीट होगा, जैसे 16 दो बार आया तो सीरियल देखेंगे कि 16 कहाँ पर आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर 6 तक तो आ गया था, उसके 7 और 8, तो 7 प्लस 8 बाय 2, ठीक। अगर तीन बार आता तो 7 प्लस 8 प्लस 9 बाय 3 हो जाता है यहाँ पर, ठीक। अब चलिए वाई आर देखिए, वाई आर कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ा वाई में देखिए कौन है, सबसे बड़ा वाई में 22 है, तो एक लिख दिए। अब 22 से छोटा कौन है, 20, उसको दो लिख दिए। अब 20 से छोटा कौन है, 20 से छोटा 15, उसको तीन मान लिए। अब तीन माने, अब 15 से छोटा कौन है, 14, जिसको चार मान लिए। अब फिर उससे छोटा कौन है, 14 से छोटा देखेंगे तो 13 है, तो यहाँ चार तक आ चुके हैं हम लोग। अब 13 है, तो 13 एक दो यानी दो बार रिपीट हुआ है, तो चलिए चार तक आ गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस 6 बटे 2, 11 बटे 2 यानी 5.5, चूँकि दो ही बार रिपीट है, 13 दो ही बार रिपीट है, इसलिए 5 प्लस 6 बाय 2 कर दिए, 5.5। तो यहाँ देखिए 5.5 जहाँ जहाँ 13 है 5.5 लिख दिए, ठीक। अब लेकिन एक बार 13 से अब छोटा देखेंगे, तो 13 से छोटा कौन है, इसमें 9 है, जिसको 7 मान लिए, ठीक। अब 9 से छोटा कौन है, 9 से छोटा तो 6 है, लेकिन यहाँ देखिए 6 भी एक बार,
और यहाँ दो बार रिपीट हुआ है। हम लोग सीरियली कहाँ तक पहुँच चुके थे? 7 तक। हम लोग सीरियली कहाँ तक पहुँचे थे वाई आर में? 7 तक। तो 8 + 9/2 = 17/2 यानी 8.5। अब जहाँ जहाँ 6 होगा, अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ 6 होगा तो 6 कहाँ कहाँ है? तो 8.5, ठीक। तो जहाँ जहाँ क्या बोला क्या बोलाएगा अभी नहीं, ये तो खराब है, वापस करना। एक क्यों में हो जाएगा पूरा कि दो लगवाए 80 कम दिए, ठीक है ना। तो अब देखिए कि 6 कहाँ कहाँ आया है। तो 6 जहाँ जहाँ आएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ 6 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ उतना लिख देंगे। कितना है 8.5 वहाँ वहाँ लिख देंगे 8.5। अब देखिए यहाँ पर 8 + 9, चूँकि 9 तक कौंट सीरियली देखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब 9 तक हम लोग का आ चुका है, तो अब सबसे छोटा कौन है इसमें? तो सबसे छोटा कौन है? 10। अब सबसे छोटा 4 है तो उसको 10 मान लिए, ठीक। अब xr - yr = d निकाल लेंगे, xr और yr को घटा के d निकाल लेंगे, और उसके बाद d का स्क्वायर कर देंगे, d स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा। कल का फॉर्मूला से ये 1, 2, 3 तीन बार आपका आया है, ठीक है, वैसा चीज़ जो कि रिपीटेड हुआ है। तो अब देखिए कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका। फॉर्मूला यहाँ देखिए, rs = 1 - 6/(n³ - n) ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, σd² + अब देखिए यही चीज़ कितना बार टोटल हुआ है रिपीट? 3 बार। तो 1/12 m³ - m, जितना बार रिपीट होगा उतना बार ही फॉर्मूला भी रिपीट होगा, प्लस 1/12 m³ - m, प्लस 1/12 m³ - m। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कितना बार हुआ है। अब देखिए 1 - 6/(n³ - n), ठीक, नॉर्मल फॉर्मूला होता था कि 1 - 6/(6×σd²)/(n³ - n), यही फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ रिपीट के होने के कारण फॉर्मूला में चेंजिंग आया है। तो क्या फॉर्मूला? जितना बार ये चीज़ आया ना, कितना बार? 1, 2, 3, तो 3 बार आया है। तो 1 - 6/(n³ - n), अब ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, σd² + 1/12 m³ - n, प्लस 1/12 m³ - m, प्लस 1/12 m³ - m। तो ये चीज़ आपका जय बार आएगा। मान लीजिए कि 6 बार रिपीट होता है तो 6 बार ही फॉर्मूला रिपीट होता, 7 बार होता तो 7 बार आता, 8 बार होता तो 8 बार, ये चीज़ m1/12 m³ - m बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि 1 - 6/ टोटल सीरियल नंबर कितना था? 10 - 10। अब 39.50d² + 1/12। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या कितनी